हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल डेली जॉब अपडेट में आपका सबका स्वागत है। तो आज और आपके लिए एक गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि पुणे महानगर पालिका के तरफ से है। यहाँ पे इन्होंने चार पोस्ट के लिए उन्होंने 400 से ज़्यादा जगह निकाली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमें फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने मंगा है, क्या क्या एजुकेशन क्राइटेरिया इनका है, तो सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम से मिले। तो दोस्तों, और इसे अच्छे से समझते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज है। देखो, यहाँ पर चार जगह है। असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए चार जगह निकाली हैं। क्लर्क टाइपिस्ट पोस्ट के लिए उन्होंने 200 जगह निकाली, सबसे ज़्यादा जो है क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 200 जगह निकाली है। जूनियर इंजीनियर के लिए 144 जगह निकाली है। असिस्टेंट इंक्रूमेंट इंस्पेक्टर के लिए 100 जगह निकाली है। देखो, यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी वाइज उन्होंने डिवाइड किया है कि किस यानी किस कैटेगरी को कितना जगह वैकेंट है, वो सभी यहाँ पे उन्होंने दिया है। सबसे पहले जैसे सहायक विधि अधिकारी यानी असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए जो चार जगह था, उसमें एक जगह एससी के लिए राखी है, दूसरी जगह एनटी के लिए एक जगह है, और दो जगह ये ओपन कैटेगरी वालों के लिए है। जो ओपन कैटेगरी में आते हैं वो दो जगह के लिए, यहाँ पे उन्होंने एक महिला के लिए एक जगह राखी रखा है। तो जो लेडीज़ है वो यहाँ पे एक पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जगह क्लर्क के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने 200 जो जगह है वो किस तरह से उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो पहले एससी के लिए उन्होंने 26 जगह है, उसमें से 8 नॉर्मल है, 8 जगह महिला के लिए रखी हुई है। उसके बाद जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 4 जगह है, और आप देख ही सकते हैं कि एक यहाँ पे उन्होंने दिया है। नेक्स्ट जो एस टी के लिए 14 जगह उन्होंने राखी रखा है, इसमें से 5 नॉर्मल आदमी के लिए यानी कोई भी भर सकता है। उसके बाद महिला के लिए 4 जगह उन्होंने राखी रखा है, एक सर्विसमैन के लिए 2 जगह है, और जो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से सभी कैटेगरी वाइज उन्होंने यहाँ पर जगह डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पर देख के जिस कैटेगरी में आप यहाँ पे बैठते हो तो उस कैटेगरी से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वैकेंसी है जो कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के लिए। जो सिविल इंजीनियर में जिसने इंजीनियरिंग किया है वो ये पद के लिए भर सकता है। यहाँ पे टोटल उन्होंने 135 जगह यहाँ पर निकाली है। एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 8 है, और ओपन कैटेगरी के लिए 50 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में बैठते हो तो उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पोस्ट एक जूनियर इंजीनियर के लिए है। यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट निकाली है। यहाँ पर 5 जगह उन्होंने निकाले हैं। तो यहाँ पर एसटी और ईडब्ल्यूएस और EWS इनके लिए सिर्फ जगह है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद भी एक जूनियर इंजीनियर के लिए ये जगह है। यहाँ पे उन्होंने वाहतुक नियोजन के जो है यानी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे भी उन्होंने 4 पद के लिए जगह निकाली है। टोटल लास्ट है सहायक अतिक्रमण निरीक्षक, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छे खासी जगह निकाली है। 100 जगह इन्होंने ये पोस्ट के लिए निकाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज उन्होंने किस तरह से इसको डिवाइड किया है। एससी के लिए 13 जगह निकाले, एसटी के लिए 7 जगह निकाले, एनटी के लिए 3, 2, 4, 2, ऐसे अलग अलग कैटेगरी अलग अलग उन्होंने जगह निकाले। तो आप यहाँ पे देखकर आप किस कैटेगरी में बैठते हो तो इस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करना। तो चलो नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है। तो देखते हैं।
देखो जो सहायक विधि अधिकारी है यानी असिस्टेंट लीगल ऑफिसर है उसके लिए उन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके बाद उसने यही एका संस्था में यानी जो इसके रिलेटेड जो संस्था है वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हो तो अच्छा होगा, और साथ में अगर नहीं लिया होगा तो अगर न्यायालय में यानी कोर्ट में उन्होंने 3 साल का अगर वकील किया होगा तो वो ये पोस्ट के लिए एलिजिबली होंगे। देन उसके बाद जो क्लर्क है उसके लिए उन्होंने मिनिमम 10th क्लास पास होना चाहिए, उसके बाद 30 मराठी और 40 इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। देन उसके बाद MSCIT या CCC यह पास होना चाहिए, और उसको मराठी पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए। जो थर्ड वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर के लिए वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है, देन उसके बाद 3 साल का उनको अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन फोर्थ पोस्ट में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस डिग्री मांगी है, और साथ में अगर उसको एक्सपीरियंस होगा तो वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फिफ्थ पोस्ट है वाहतुक नियोजन, यहाँ पे उन्होंने क्या मांगा है BA या तो BTEC इसमें होना चाहिए, और अगर उन्होंने ME ट्रांसपोर्टेशन और हार्डवेयर इंजीनियरिंग में किया होगा ME या MTEC तो भी आप इसके लिए एलिजिबली होगे। देन लास्ट सहायक अतिक्रमण निरीक्षक, यहाँ पे उन्होंने SSC मांगा है, और साथ में अगर उन्होंने सर्वे कोर्स यानी एकाधिक कोर्स किया होगा इसके रिलेटेड तो वो, और साथ में अगर 5 साल का उनको अनुभव होगा यानी एक्सपीरियंस होगा तो वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके एजुकेशन देखे हमने, अभी इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आ गया, क्योंकि ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, अगर आप प्री अगर क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगा। तो इसके एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं कि सिंगल स्टेज किस तरह से एग्ज़ाम होगी, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के लिए है, तो चलो डिस्कशन करते हैं। देखो इसके एग्ज़ाम के बारे में देखे तो दोनों में सेम ही है, सिर्फ सब्जेक्ट तो दोनों में सेम है, सिर्फ उसमें एक ही है कि जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है और जो मार्क्स है वो डिफरेंट है, और बाकी सभी पैटर्न सेम है, मराठी इंग्लिश GK रीजनिंग, और उनके सब्जेक्ट वाइज यानी सब्जेक्ट जो है जो जॉब के लिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट अनुसार उसको क्वेश्चन यानी पेपर रहेगा उनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर किस प्रकार हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। देखो यहाँ पे उन्होंने वेतन श्रेणी दिया है यानी किस प्रकार उनका पेमेंट होगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, और साथ में यानी एज कितना यानी कितने साल तक वो उम्र के वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे SC ST OBC कैटेगरी वाइज सबका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है कि ये एज तक वो ये पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आपको 8-10 अगस्त के पहले यहाँ पे अप्लाई करना है, लास्ट तारीख 10 अगस्त है, 10 अगस्त के पहले आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक और डिक्लेयर किया है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में हो सकती है, तो देखते कि कैसे ऑनलाइन पे आवेदन करना है। चलो ऑनलाइन स्क्रीन पर चलते हैं।